आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। हाँ, थर्मोडायनामिक्स नाम से ही पता चल रहा है, थर्म मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट, मतलब हीट इन मोशन, ठीक है। तो भले लिखते हैं हीट इन मोशन, लेकिन जितने भी तरह का एनर्जी है सबको इसमें अब इन्वॉल्व कर दिया गया। शुरुआत में जब थर्मोडायनामिक्स आया था तो उसमें सिर्फ हीट एनर्जी को ही हम लोग कंसिडर करते थे, लेकिन आज के समय में थर्मोडायनामिक्स में हर तरह के एनर्जी को कंसीडरेशन किया गया है। तो थर्मोडायनामिक्स तुमको फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी मिलेगा, क्योंकि हीट एनर्जी सब जगह इन्वॉल्व है और बाकी एनर्जी भी है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में हीट एनर्जी है, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, बहुत तरह का एनर्जी है, हाँ। तो सारे तरह के एनर्जी को ये जो है डील करता है। तो थर्मोडायनामिक्स क्या है, एक रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द वेराइटी ऑफ एनर्जी, है ना। थर्मोडायनामिक्स एक साइंस है ना। थर्मोडायनामिक्स इज अ साइंस व्हिच गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स दैट इज द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको कि हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। बाकी ये रिलेशनशिप बाकी एनर्जी के साथ भी प्रोवाइड करता है, समझ गया। सो इट्स गिव्स यू द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। दो तरह का रिलेशनशिप होता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एंड क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। क्वालिटेटिव में क्या होता है, कोई अमाउंट नहीं बताएगा कि कितना होगा नहीं होगा, सिर्फ बताएगा हाँ ये होता है ये होगा, है ना। जैसे हम बोलेंगे कि हाँ ये इतना मार्क्स आ जाएगा, 90 मार्क्स आएगा, तो ये क्वांटिटेटिव हुआ, ठीक है। उसके बाद हम बोलो नहीं ये अच्छा मार्क्स आएगा, है ना, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, ये क्वालिटेटिव हुआ, ठीक है। हम जैसे किसी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करके बताएंगे नहीं इसको 90 to 95 आ जाएगा, तो ये हम क्या बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव बता रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुआ। दूसरा हम क्या बता रहे हैं, नहीं ये अच्छा लड़का है, इसके मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा, एक्सेलेंट मार्क्स आएगा, तो ये क्वालिटेटिव बता रहे हैं, है ना। कितना आएगा हमको नहीं पता है, ठीक है ना। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिलेशन हुआ, उसी ये जो थर्मोडायनामिक्स है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप नहीं बताता है, ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, मतलब एग्जैक्ट नंबर में रिलेशन बताया गया, क्वांटिटी में रिलेशन बताया गया, ठीक है ना। और थर्मोडायनामिक्स एक बात याद रखना, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, ये थ्योरी नहीं है। अभी तक जो भी चीज़ अभी तक पढ़ते आए, जो भी चैप्टर, सब जगह थ्योरी था। थ्योरी को हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करके चल रहे थे, यहाँ थ्योरी है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। और थर्मोडायनामिक्स हम वहीं पर अप्लाई करेंगे जहाँ पर कि क्वांटिटी ज़्यादा होगा सब्सटेंस का, मैटर का। अब जैसे हम एक मॉलिक्यूल पर अप्लाई करेंगे थर्मोडायनामिक्स नहीं होगा, ये माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस पड़ता है, मतलब बड़ा, जैसे 2 किलो 4 किलो 10 किलो है, ज़्यादा क्वांटिटी में मैटर है, वहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स। जैसे कि हम सिंपल ये चौक का एक टुकड़ा ले लेंगे और इस चौक को लेंगे, दोनों का सेम टेम्परेचर रहेगा, तुम्हारे हाथ पे रख देंगे किस में हाथ जलेगा, चौक रखेंगे हाथ जल जाएगा, लेकिन जो ये चौक का एक छोटा सा टुकड़ा से तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, जबकि टेम्परेचर दोनों का बराबर है। तो जो चौक का छोटा सा टुकड़ा है उसको हम स्टडी यहाँ नहीं करेंगे, जो पूरे चौक को स्टडी करेंगे, यानी बल्क में रहेगा जब पार्टिकल्स, तभी हम स्टडी करते हैं। थर्मोडायनामिक्स एप्लीकेबल टू द माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस, नॉट माइक्रोस्कोपिक, जो हमको दिखता नहीं है उसके उसके ऊपर ये साइंस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उसको हम प्रैक्टिकल करके देख नहीं पाएंगे, तो थ्योरी से ही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन आज तक कोई नहीं देखा, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई देखा है आज तक नहीं देखा है ना। एटम को ही देखना अभी तक मुश्किल हो गया है ना, हल्का झलक कभी कभी दिख जाता है एटम को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो देखा ही नहीं है हम लोग, बस आइडिया लगा के पढ़ रहे हैं ना, किसने देखा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है ऐसे जाता है, कोई नहीं देखा, सिर्फ हम वो थ्योरी बना लिए हैं, है ना। उस थ्योरी से प्रैक्टिकल जो होता है वो सही आ रहा है, इसलिए हम उस थ्योरी को सही माने हुए, लेकिन यहाँ पर वो है ही नहीं, है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है ना। इसमें जीरो लॉ आता है, फर्स्ट लॉ आता है, सेकंड लॉ होता है, थर्ड लॉ होता है, तीन थर्मो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तीन है, जीरो 1 2 3 4 है, देर आर फोर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स,
और चारों के चारों जो है वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, जो प्रैक्टिकली होता है उसी को हम थियोरेटिकली और मैथमेटिकली लिख दिए हुए। तो यहाँ पर कोई इसको जो है प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रूव्ड है ऑलरेडी, समझ गए ना। थर्मोडायनामिक्स द साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस विच इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस, आदमी का जो एक्सपीरियंस है, जो देखा है, जो सुना है ना, जो उसके सामने आया है, उसी को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में लिख दिया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, अब थर्मोडायनामिक्स को हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स कब बोलते हैं, जब सिर्फ केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ एनर्जी ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो केमिकल रिएक्शन से जुड़ा हुआ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, एनर्जी ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे, तो हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर फिजिक्स में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स, वहाँ वो केमिकल थर्मोडायनामिक्स नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में, इसीलिए हम जो पढ़ेंगे यहाँ वो हुआ केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सो व्हेन वी कन्फाइंड आवर स्टडी टुवर्ड्स द केमिकल प्रोसेसेस दैन इट इज कॉल्ड केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सो वेदर इट इज ए केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड अदर थर्मोडायनामिक्स, सिंपली इट गिव्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एनर्जी एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जो हीट एनर्जी है उसके बीच में रिलेशन, हीट का रिलेशन लाइट एनर्जी के साथ, हीट का रिलेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, हीट का रिलेशन और बाकी जो भी एनर्जी है हमारे पास उसके साथ हमको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है ना, मतलब हीट यहाँ पर मेन है ना, फोकस यहाँ पर क्या है, हीट एनर्जी। थर्मोडायनामिक्स में मेन फोकस किसके ऊपर है, हीट एनर्जी के ऊपर, सारे एनर्जी के साथ रिश्ता हीट का होना चाहिए, समझ गया ना, उसी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं। आ गया समझ में, क्लियर। अब है स्कोप ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स का स्कोप क्या है, मतलब इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों पढ़े थर्मोडायनामिक्स, है ना, बहुत सारा है, उसमें से तीन मेन पॉइंट पढ़ना है। पहला स्कोप क्या है, प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, का जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसका एक्सप्लेनेशन देता है, जैसे प्रेशर हुआ, वॉल्यूम हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सब माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है ना। किसी चीज़ का वॉल्यूम ऑब्जर्व कब करेंगे, जब बहुत सारा पार्टिकल जमा रहेगा। किसी चीज़ का मास कब ऑब्जर्व करेंगे, जब बहुत सारा पार्टिकल जमा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी थोड़ा टेम्परेचर का एग्जाम्पल दिया, ये चौक है, इसको और एक पार्टिकल इसका ले लेंगे, दोनों का टेम्परेचर सेम रखेंगे, लेकिन हमको जलेगा चौक से ना कि पार्टिकल से। ठीक है, एक हाथ में हम ये चौक रख देंगे, दूसरे हाथ पर पार्टिकल रख देंगे, चौक खाएंगे, तो किस हाथ में जलन होगा, जिस हाथ में चौक रखा होगा, जबकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। ठीक है ना, तो इसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं जो एक पार्टिकल है, इसको स्टडी कर रहे हैं जहाँ बल्क में माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत सारा जब है तब ना, आया बस में, तो टेम्परेचर का महत्व कब आया, जब बल्क में है कोई चीज़, जब वह एक पार्टिकल है तो उसका टेम्परेचर का कोई मीनिंग नहीं रहा, उनको कोई असर भी नहीं हुआ, है ना। बालू का एक टुकड़ा एक हाथ में, दूसरे में एक मुट्ठी बालू, गर्म बालू डाल देंगे तो क्या होगा, दोनों का एक उसी बालू से निकाल रहे हैं, उतना ही हीटेड है, एक हाथ पर एक टुकड़ा डाल देंगे बालू का और दूसरे हाथ में एक मुट्ठी बालू डाल देंगे तो क्या होगा, जिस हाथ में एक मुट्ठी डालेंगे वो हाथ जल जाएगा, लेकिन जिस पर बालू का एक टुकड़ा डाले उस पर कुछ नहीं होगा, समझ गया कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर जब ज़्यादा पार्टिकल होगा, बल्क में रहेगा, तभी जो है स्टडी करेंगे, उस समय जो हमको प्रॉपर्टीज नज़र आता है उसी को स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो मेन प्रॉपर्टीज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, तो मेनली गैस से रिलेटेड प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर और साथ में मास, मास तो दुनिया के हर चीज़ के साथ है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, मास जीरो हो गया तो वो दुनिया में ही नहीं है ना, मास जीरो हो गया तो वो दुनिया में ही नहीं है, तो मास के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मास, इसके बारे में मेनली गैस के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए समझ में आया। तो इसीलिए हमको थर्मोडायनामिक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज,
क्या लिखे हैं प्रो, ये क्या लिखा है प्रोटीन है, भाई नया वर्ड आ गया है ना, प्रोपर्टी, ठीक है ना, हाँ तो नया वर्ड था, मीनिंग पता नहीं, ठीक है ना, हाँ तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमको एक्सप्लेनेशन देगा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन है ना, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन ये बताएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या रहेगा, प्रिडिक्ट करेगा फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, संभव है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, ये भी ये बताएगा, केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, वेदर रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, उधर द रिएक्शन विल प्रोसीड और नॉट, है ना, वो चीज़ हमको बताएगा थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद ये बताएगा कि अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो एट व्हाट एक्सटेंट इट विल गो, कितने एक्सटेंट तक रिएक्शन होगा, है ना, 10% होगा, 20% होगा, 50% होगा, 75% होगा, या 100% रिएक्शन होगा, किस एक्सटेंट तक होगा, प्रोडक्ट बनेगा कितना, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, या प्रोडक्ट होगा ही नहीं, ये रिएक्टेंट ही ज़्यादा रह जाएगा, प्रोडक्ट कम बनेगा, ठीक है, और प्रोडक्ट हो सकता है 50-50 प्रोडक्ट और रिएक्टेंट हो जाए, हो सकता है कि प्रोडक्ट 75% और रिएक्टेंट 25% है, हो सकता है 100% प्रोडक्ट बन जाए, रिएक्टेंट नील हो जाए, तो ये सारे जो फिजिबिलिटी है, रिएक्शन किस एक्सटेंट तक होगा, कहाँ तक होगा, ये कौन बताएगा, थर्मोडायनामिक्स, समझ गया ना, तो ये स्कोप है थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है ना, तो थर्मोडायनामिक्स में हम लोग माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें चार लॉ पढ़ना पड़ता है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, बस फोर्थ नहीं पढ़ना, पढ़ लो तक, ठीक है, तुमको वो भी नहीं पढ़ना है, तुमको पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, जीरो भी नहीं पढ़ना है, ना सेकंड पढ़ना है, ना थर्ड पढ़ना है, सिर्फ एक ही पढ़ना है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, बाकी जो लॉ होगा वो हायर क्लास में पढ़ोगे, नहीं 12 में भी नहीं पढ़ोगे, थर्मोडायनामिक्स चैप्टर 12 में नहीं है, ठीक है ना, आई बात समझ में, ओके okay?